नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सके दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डब्ल्यूएससी को लेकर फॉर्म भरने के बारे में। तो आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना upwsc.gov.in। पहले नंबर पर आप सभी को जो लिंक है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप सभी को यूजर गाइडेंस के साथ में विज्ञापन साथ में अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। आप सभी को अप्लाई पर क्लिक करना है, जहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी लिखी है कब से आपके आवेदन शुरू होंगे, कब तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं पीईटी के लिए। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में एग्ज़ाम के बारे में जानकारी आप सभी के सामने आएगी, विज्ञापन संख्या, साथ ही अगर बात करें एग्ज़ाम की तारीख और भी तमाम जानकारियाँ आप सभी के सामने आ जाती हैं, जिसमें एज की अगर बात करें 18 से 40 आपकी रखी गई, क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं से लेकर कुछ भी अगर आपने किया है तो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर करेंगे तो आप सभी को यहाँ बताना है कि क्या आपने इससे पहले OTR का फॉर्म भरा था। अगर आपने OTR भरा था तो आप यहाँ यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देखेंगे, हम जैसे यस करते हैं आप सभी के सामने कुछ घोषणा मांगी जाएगी, जो कि आप सभी से पूछी जाएगी आपकी इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल की और भी तमाम जानकारियाँ आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी को सही तरीके से भरनी है। ये निर्देश आप सभी को भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ सही से ही बताने वाला हूँ। तो नीचे आप सभी के सामने एक ऑप्शन दिया गया है कि मैं घोषणा करता हूँ, मतलब आई एक्सेप्ट के साथ में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक बार फिर से आएगा, दोबारा से आपको आई एक्सेप्ट करना है और उसके बाद में आप सभी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब जिन्होंने OTR नहीं किया है, जैसे ही आप OTR पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन डालेंगे, आपका फॉर्म भर जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। लेकिन जिन्होंने OTR नहीं डाला है तो उनके लिए अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला तो सिंपल सा प्रोसेस है। तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर येस की जगह पर हमें नो कर देना है कि हमने OTR नहीं किया था। जैसे ही हम यहाँ पर नो करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आएगा। जैसा कि आपको बताया, आपको घोषणा करनी है आई एक्सेप्ट निर्देश को लेकर, तो नीचे हम जाकर कि यस कर देते हैं। तो इसी के साथ आप सभी के सामने आ जाता है कि आपको अपना नाम डालना है, नाम आपका साथ में आपके माता का और पिता का, वही नाम डालें जो हाई स्कूल के अंदर आपको देखने के लिए मिला होगा, उसके अलावा कुछ और ना डालें तो बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को अपनी माता का नाम डालना है। इसी के साथ आप सभी से पूछा जाएगा कि आप यूपी के हैं या नहीं, बताइए। साथ में आप सभी को बताना है कि आप उत्तर प्रदेश में किसी सरकारी नौकरी में हैं या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। अगर आप यूपी से हैं तो यस करें, नो करें अगर आप यूपी से नहीं हैं तो। नीचे आप सभी के सामने कुछ जानकारी मांगी जाएंगी कि आप यूपी के, अगर बात करें यहाँ पर आप सभी के सामने फ्रीडम फाइटर को लेकर, अगर आप हैं तो यस, अगर आप EWS हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें, अगर आप हैंडीकैप्ट हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। साथ में अगर आप किसी कोई प्ले स्किल प्लेयर हैं तो आप यस करें, हैं तो नो करें, ठीक है। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी आ जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में, नहीं है तो नो करें। आपको अपना स्टेट डालना है, जो भी आपका स्टेट है, साथ में अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद में अपनी कैटेगरी डालनी है, उसके साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे EWS का कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो डालें। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लें अगर आपको जो भी है, और उसके साथ में अगर हम बात करें अपना जेंडर आप सभी को सिलेक्ट करना है मेल फीमेल में से। इसी के साथ आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा, अगर हम बात करें आपका मैरिड स्टेटस के बारे में, शादीशुदा है तो यस करें और नहीं है तो नो करें, ठीक है। इसी के साथ में नीचे आप सभी से मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, साथ में आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी, दोनों आप सभी को अवश्य डालने हैं, क्योंकि निकट भविष्य में आपको कोई समस्या देखने के लिए ना मिले। चलिए यहाँ पे आप सभी को अपना जो भी है डाल देना है, फिलहाल मैंने गलत डाला है, बाद में सही कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ नीचे आप सभी के सामने कुछ और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी आपको हाई स्कूल के बारे में। आपने हाई स्कूल की आपको ईयर बतानी है, किस साल आपने पास किया था, जो भी आप सभी की ईयर होगी आप वही डालें, साथ में अपना वोट सेलेक्ट करें, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश, अगर किसी अन्य राज्य से हैं तो अन्य राज्य आप सभी डाल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को यहाँ पे अपनी ईयर बतानी है, ईयर के साथ साथ आप सभी को अपना रोल नंबर देना है, साथ में आप अगर ग्रेड सिस्टम से तो बता सकते हैं, अगर ग्रेड सिस्टम से नहीं है तो आपके जो मार्क्स होंगे, साथ में टोटल मार्क्स होंगे, उसका जो परसेंटेज होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप सभी यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल देंगे, उसके बाद में आप सभी को यहाँ परसेंटेज बता देना है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो यस करें, ऐसे ही आप सभी को नीचे अगर आपने BA किया है, BSc किया है या फिर कुछ और भी डिग्री आप सभी के पास हैं, सारी डिटेल आप सभी यहाँ पर डाल सकते हैं। सब कुछ डाल देने के बाद में आप सभी को नीचे आना है, अपना कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए हम कैप्चा डाल देते हैं, फिर ओके पर क्लिक करके सारी जानकारी यहाँ फिल कर देते हैं।
जैसे ही आप लोग फिल करेंगे आप सभी के सामने कुछ और भी जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम फिल करते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। जानकारी आप लोग एक बार सही से चेक कर लें, अगर दिक्कत होती है तो दोबारा से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपने भरा आप सभी के सामने आ जाता है। इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जहाँ पे आपको और भी जानकारियाँ देनी है। तो नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि आपको कंटिन्यू करना है अपने फोटो के लिए, साथ में सिग्नेचर के लिए, और साथ में ₹2500 आपको देने हैं। आप किसी भी कैटेगरी से भर सकते हैं, मैं आपको एक डेमो फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ तो इसलिए है ना। तो यहाँ पे आप सभी के सामने सिग्नेचर का प्रोफार्म आ जाता है, साथ में फोटो का आ जाता है। फोटो कैसे लगाना है मैं आप सभी को दिखाता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट फोटो पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ब्राउज पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपने फोटो जहाँ रखा है वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने लिए यहाँ पे फोटो निकाल करके रखा हुआ है, वो मैं आप सभी को यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। साथ ही जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, जैसे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती जाएँ। तो यहाँ पे फोटो आप सभी के सामने आ जाता है। इसी के साथ आप सभी को यहाँ पे अपने सिग्नेचर डालने हैं। सिग्नेचर डालने के लिए आप सभी को जाना है, सिग्नेचर मैंने यहाँ पहले से रखे हुए हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। इनका कहना है कि ये फॉर्मेट सही नहीं है, तो आपको फॉर्मेट जो डालना है वो JPEG साथ में JPG, इन्हीं तीनों फॉर्मेट में से होना चाहिए। जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने अपने सिग्नेचर डाउनलोड कर लिए हैं और आप सभी के सामने डाल दिए हैं। इसी के साथ आप सभी के सामने सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका जो यहाँ पे डिक्लेयर करना है, आई डिक्लेयर कि जो भी जानकारी मैंने भरी है बिल्कुल सही है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ गलत है तो चेंज कर लेना। तो सेम चीज़ आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगी जो जो आप सभी ने भर दिया है। नीचे आप सभी को जाकर कुछ और जानकारियाँ देनी है, जैसे कि अपने एज के बारे में, अपने डोमिसाइल के बारे में, साथ में आप सभी का कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आप सभी डालिए। सही सही चीज़ें डालेंगे तो बेहतर होगा, गलत डालेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप सभी को डालना है, फिर उसके बाद में अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अपडेट करेंगे उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। चलिए मैं आप सभी के लिए आगे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर डालना है अपना एड्रेस। एड्रेस के अंदर आपको CO पूछा जाता है, केयर ऑफ के अंदर आपको अपना फादर का नेम डालना है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद में अपना हाउस नंबर, विलेज नंबर, जो भी है, स्ट्रीट नंबर आप सभी को डालना है, और इसी के साथ आपको अपना जो गली नंबर है वो आप सभी को डाल देना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, अभी मान नहीं है, बाद में मान जाएगा। और सबसे नीचे जाकर आप सभी को यस कर देना है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि अगर हम बात करें आपके जो एरिया वो आप सभी को डाल देना है। इसी के साथ नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। पिन कोड आप सभी को डाल देना है अपना, जो भी सही है। ये एक डेमो फॉर्म है, इसको सीरियसली मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ये हमसे कहेगा कुछ चीज़ें हमारी मिस हैं जिनको हमें फिल करना है। चलिए वापस चलते हैं एक बार फिर से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एज के बारे में आप सभी को जानकारी देनी है, डोमिसाइल के बारे में आप सभी को जानकारी देनी है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डालने हैं। चलिए यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि मैंने अपने एज के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और डोमिसाइल के बारे में भर दिया है और उसके बाद में अपडेट कर दिया है। तो इस सारी जानकारी को भरने के बाद में आप सभी के सामने कुछ अगला जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलेगा, फीस पेमेंट का। बहुत ही छोटा सा ही प्रोसेस है जो कि आप सभी बड़ी आसानी से भर लेंगे। इसमें आप सभी को डालना है कैप्चा। जैसे ही आप लोग अपना कैप्चा डालते हैं उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले एक बार चेक अवश्य कर लें, अगर आपकी कोई गलती है तो उसका सुधार अभी हो सकता है, बाद में इसका कोई सुधार आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने फीस के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो फीस के लिए आप सभी को यहाँ क्लिक करना है पेमेंट के लिए। जैसे ही आप लोग पेमेंट जाते हैं उसके सामने अगली विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको बताया जाएगा अगर आपने कोई गलती की है तो कर लो सही, अगर आप एक बार फीस जमा कर देंगे तो उसके बाद में संशोधन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और भी तमाम जानकारियाँ हैं। तो ऐसे फीस जमा करने से पहले फिर चेक कर लें और सब कुछ सही है तो यस पे क्लिक कर दें या फिर नो पे क्लिक। अगर नो करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मौका मिलेगा, अगर आप यस करेंगे तो आपको दोबारा वापस भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम फीस पेमेंट पे क्लिक करना है। नीचे आप सभी को गेटवे देखने के लिए मिलेगा, उस गेटवे के अकॉर्डिंग आप सभी को प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने पेमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलेगा, हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सभी के सामने आ जाती है, इसी पे आपको क्लिक करना है, फिर ओके करना है। ओके करने के बाद में आप सभी के सामने बताया जाएगा कि आपके किसके लिए आवेदन किया, कितने पैसे आप सभी से काटे जा रहे हैं और आपकी जो भी जानकारियां हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे एक बार फिर से आपको क्लिक कर देना है जिससे कि आपकी जो पेमेंट है वो हो जाए। तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाती है, जैसा कि हमने यहाँ क्लिक किया और हम आगे बढ़ जाते हैं।
यहाँ पे आप सी पेमेंट अगर करना चाहते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी चाहे उससे कर सकते हैं। सभी ऑप्शन आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। बैंक के चार्जेस भी आप सभी को बता दिए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड से आपसे 12 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। और इसके साथ में आप सभी को यहाँ पे अपना जो आवेदन है प्रिंट कर लेना है। बस आप सभी का जो फॉर्म है भर गया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।